अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मुजाशरी केजीएस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में। क्लास ए का मैथ एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 आज हम करने जा रहे हैं। ये चूंकि बड़े आसान से क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, तो मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन सिर्फ इनमें से आपको करवाने हैं, आपको समझाने की घर से कोशिश करूंगा, डिटेल में समझाऊं और हर स्टेप को एक्सप्लेन करूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। जितने स्टूडेंट्स हैं हमेशा ये रूटीन बनाएं, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है इस बारे में कि आपने वीडियो लेक्चर्स कैसे लेने होते हैं। हमेशा वीडियो को एक दफा पूरा एंड तक देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, यह बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले एक दफा लिखें, कुछ ना लिखें, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझ आती है उसका हल्का सा हिंट नोट कर लीजिए, लेकिन वीडियो पूरी एक दफा देखें, दूसरी दफा प्ले करें और फिर उसको साथ साथ नोट करें, साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। और जो नए आने वाले लोग हैं वो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन और उसका दूसरा पोर्शन मैंने लिया है पार्ट टू। थ्री का आपने जजर निकालना है स्क्वेयर रूट, और उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू थ्री डेसिमल पॉइंट्स, यानी तीन दर्जे शादी तक आपने उसका निकालना है। तो आपने थ्री, चूंकि तीन दर्जे कहा है उन्होंने, यानी आंसर में थ्री डिजिट्स इशारिया के बाद, इट डज मीन कि हमने इशारिया के बाद तीन जोड़े जीरो के लगाने। तो आप पहले स्टेप में इशारिया लगा के एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ठीक है जी, ये आप पहले स्टेप में कर लेंगे और जैसे जैसे आप फिर नीचे जाएंगे तो आप वो जीरो नीचे उतारते जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चूंकि असल रकम थ्री थी तो थ्री को हमने डिवाइड करना है, अगर हम टू से करते हैं तो वो फोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लिहाजा हम वन के साथ करते हैं। और अगेन आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो हमने डिवाइजर लिखना होता है वही क्वेश्चन में लिखना होता है। तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन आया, माइनस किया तो हमारे पास टू आ गया, ठीक है जी। अब टू के साथ ये दो जीरो ऊपर से उतारे और ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया तो ये 200 हो गया। वन को जो क्वेश्चन था उसको टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया। इस टू के साथ हमने जो भी डिजिट लगाना है वो ऊपर क्वेश्चन में भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। तो मैंने सेवन लगाया, सेवन के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो सेवन सेवन जार 49, नाइन आया, फोर कैरी किया, सेवन टू जार 14 और फोर 18, 189 आ गया। जब इसमें से ये माइनस किया तो 11 आ गया, ऊपर से एक और जोड़ा जीरो का उतारा, यहां पर हमारे पास 17 था। इशारिया को वक्ती तौर पर जहन से निकाल देना है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी 34। अब 34 के साथ अगेन वही डिजिट लगाना है जो हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखना है। तो 3 हमने लगाया, 3 को इसके साथ ये हो गया 343, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 लगा, 1 कह दिया, 3 3s are 9 और 1 10। माइनस किया, 71 आया, यानी इधर से कैरी किया, यहां पे 10 हो गया, इधर से कैरी किया, यहां 10 हो गया, यहां 10 हो गया, यहां 9 रह गया। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, ऊपर से आखिरी जोड़ा हमने 0 का उतारा तो ये 7100 हो गया। और 173 था हमारे पास, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 346 आ गया। अगेन इसके साथ हमने वही बात करनी है कि जो डिवाइजर में डिजिट लगाना है वही क्वेश्चन में लगाना है। तो 2 लगाया हमने, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 1 कैरी किया, 2 4s are 8 और 1 9, 2 3s are 6, माइनस किया तो 100
76 आ गया और ऊपर देख लें आप हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर चला गया है। तो नीचे आंसर आप इस शेप में लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट या अंडर रूट इज इक्वल टू 1.732, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है और मैंने उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन लिया है 816.081 और इसके पेयर्स हमने बनाए हैं। जैसे मैंने बताया था कि इशारे के राइट साइड पे राइट को पेयर बनाते हैं और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट को पेयर बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमने 16 का एक पेयर बनाया और 8 अकेला रह गया, इस तरफ हमने 08 का एक पेयर बनाया और 1 अकेला रह गया। लेकिन ये चूंकि राइट हैंड कॉर्नर है, इसके साथ हम अपने पास से फर्जी तौर पे 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट आवर कोर्स के हमने करना कैसे है। 8 को अगर मैं 3 से करता हूं तो 3 3 9 बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली मैं 2 से करूंगा, 2 2 4, माइनस किया 4 आ गया, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला 4 हमने डिवाइजर में लिखा। इसके साथ हम वही डिजिट लगाएंगे जो ऊपर अपने क्वेश्चन में लगाएंगे, तो 8 8 64, 6 कह दिया 4 इधर आ गया, 8 4 32 और 6 38। इसको जब हमने माइनस किया, ये मैं निशान आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, आपने सॉल्यूशन में बिल्कुल भी ये निशान नहीं बना, तो ये 32 आ गया। ऊपर से हमने ये डेसिमल उठा के 28 के साथ प्लेस किया, 08 वाला पेयर नीचे उतार लिया हमने। ठीक है जी, ये देखें अब हमारे पास 28 था, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 56 आ गया। हर स्टेप पे ये हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है क्वोशेंट को, तो 56 के साथ हमने अगेन वही डिजिट लगाना है जो डिवाइजर में भी लगाएंगे और ऊपर उसमें भी लगाएंगे क्वेश्चन में। तो इधर भी 5 मैंने लगाया, उधर भी 5 लगाया, तो ये 100 565 बन गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 5 6 30 प्लस 2 32 आ गया, 3 कह दिया, 5 5 25 प्लस 3 28, माइनस किया 383 आ गया, और ऊपर से हमने ये 10 वाला पेयर जो है ये उतार दिया। ठीक है जी, और इसको 38,310 आ गया और हमारे पास ये बन गया 285। अशारिया को हमने अपने माइंड से निकाल देना है, 285 यानी 285 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आ गया 570 के साथ अगेन उसी तरह से जो डिजिट हमने डिवाइजर में लगाना है वो क्वेश्चन में लगाना है, तो 6 के साथ करेंगे तो 6 के साथ हमारे पास आता है 34,236। यहां पर एक पॉइंट है जो मैं चाहूंगा कि आप उसको जरा समझ लें, ये देखें 5707 मल्टीप्लाइड बाय 7, अगर मैं यहां पे 7 लगाता हूं तो क्या बनता है, जरा गौर फरमाइएगा, 7 7 49, 4 कैरी किया, 7 4 0 4 आ गया, 7 7 49 9, 4 कैरी किया, 7 5 35 प्लस 439, ये आ गया 39,000 जो इससे बड़ा है 38,000। तो हम इस वजह से 6 पे हमने इत्तफाक किया और 6 के साथ जब हमने इसका ऑपरेशन किया तो हमारे पास 34,236 आया। जब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास ये वाला आ गया 4074। अब हमने निकालना तो 2 डेसिमल प्लेस तक है, लेकिन हमने क्या किया, अपने पास से ना जी इसको जवाब मजीद हमारा एक्यूरेट आए हमने एक स्टेप और कर लिया। ठीक है जी, अपने जवाब मजीद एक्यूरेट लाने के लिए एक जोड़ा हमने 0 का, चूंकि शादिया हमारे पास डेसिमल पहले लगा हुआ है तो चाहे हम इसको 10 डेसिमल प्लेस तक दे जाए, तो ये हमने एक 0 उतारा, हमारे पास आया था 2856 यानी 2856। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहां पे लिखा दैट इज
5712। इसके साथ हमने वही ऑपरेशन दोबारा दोहराना है कि जो डिजिट डिवाइजर में लगाना है वही डिजिट ऊपर क्वेश्चन में लगाना है, तो वो हमने 7 फाइनल किया मल्टीप्लीकेशन करके, तो 7 ऊपर लगाया 7 इधर लगाया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 399,000 और 889 माइनस किया तो 7511 आ गया। हमारे पास जवाब आया जी 28.567। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का तरीका जो है वो ये है कि अगर ये 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक जमा हो जाता है, तो योर आंसर वुड बी 57। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, चूंकि हमें वी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट आवर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये बाकी क्वेश्चंस भी बेटे आपने इसी तरह से करने हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज 2.7 पे, जिसका मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक ही सवाल है जिसके अंदर 12 क्वेश्चन हैं और इसको समझ लें जरा। अब इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है तो वही स्क्वायर रूट जो आप पिछली सारी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि कोई एक रकम है जिसके 10 डिजिट्स हैं, कोई एक रकम है जिसके 10 डिजिट्स हैं, तो बताएं उसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट आएंगे। तो उसका सिंपल फार्मूला है एन ओवर टू, यानी अगर 10 डिजिट की रकम है उसको 2 से डिवाइड कर दें, उसके आंसर में 5 डिजिट्स आने चाहिए जी। अगर ये देखें, ये फार्मूला लिखा है एन ओवर टू, अगर किसी में 8 डिजिट है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट आंसर आना चाहिए, और अगर कोई ऑड नंबर है, इफ देयर इज एन ऑड नंबर के जिसको मतलब आप अशार्य में डेसिमल में उसका आंसर निकलता है, तो फिर क्या करेंगे, एन प्लस 1 करेंगे, यानी अगर 5 डिजिट की रकम होगी उसमें 1 प्लस करेंगे देन 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे, 5 + 1 = 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3। अब आ जाए एक क्वेश्चन की तरफ, जो आपका पहला क्वेश्चन मैंने एक ही दिया है 63,504। स्टेप बाय स्टेप आपने करना कैसे है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हियर 63,504 में आप देखें तो 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 डिजिट्स हैं बेटा, 5 डिजिट्स हैं, तो हम n प्लस 1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5 + 1 = 6, 6/2 = 3 डिजिट्स, हमारे आंसर में 3 डिजिट्स आने चाहिए लाजमी। उसके बाद आपने अगला स्टेप करना है वेरिफिकेशन का, लेट्स वेरीफाई इट। तो हम हमेशा जब इशारे में होता है तो राइट से लेफ्ट की जाने हम बनाते हैं जोड़े, तो पहला जोड़ा आपका ये वाला बना और दूसरा 35 का और तीसरा 6 अकेला रह गया, तो इसको 2 से हमने किया 4 आ गया, माइनस किया 2 रह गया, 35 वाला जोड़ा नीचे उतारा 235 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 4 निकाला, और इसके साथ हमने वही ऑपरेशन किया जैसे पीछे कर रहे थे, 5 इधर लगाया, 5 इधर लगाया, मल्टीप्लाई किया 225 आया, माइनस किया 10 रिमेनिंग रह गया, ऊपर से 04 वाला जो जोड़ा है वो नीचे उतार दिया हमने। ठीक है जी, अगेन सेम कि ये आपको समझाने के लिए ये वाले एरो लगा रहा हूं, आपने नहीं लगाने। अब ऊपर था हमारे पास 25 को 2 से जरब दी तो 50 आ गया, 50 के साथ हमने वो डिजिट लगाना है जो डिवाइजर में भी लिखे और क्वेश्चन में भी लिखे, तो मैंने 2 लगाया तो ये 502 हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो 1004 आ गया, माइनस किया तो नील हो गया। नेक्स्ट इसका स्टेप ये मैंने लिखा है जो नीचे लिखना था कि अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, तो आंसर देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, अपनी असल रकम ऊपर स्क्वायर रूट डाल के इज इक्वल टू आंसर लिखेंगे 252 जो आपका आंसर आया क्वेश्चन में, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन हैज 3 डिजिट्स। ये आप ये आपके दोनों आंसर होंगे, ये पूरा आपका आंसर होगा, जितने क्वेश्चन हैं उनके आपने ये सारे के सारे स्टेप कर लिए हैं। स्टेप 1 में आप उसका ये वाला पोर्शन निकालेंगे n ओवर 2 या n प्लस 1 ओवर 2 वाला, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करेंगे सारी डिवीजन मेथड के जरिए, बिकॉज यू आर नॉट आस्क्ड टू परफॉर्म
all of these through any private factorization or vn. तो हम vn की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। ये आपके थ्री स्टेप्स होंगे इन तमाम सवाल आपके। वीडियो पूरी देखा करें हमेशा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये बात बोली है कि हमेशा वीडियो पूरी देखें, और एक दफा पूरी देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप लोग वापस जाएं और दोबारा प्ले करें इसे, और फिर साथ साथ अपने नोट्स बनाएं उनको लिखने के लिए। और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, आप हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वीडियो का कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।